हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद फन टुगेदर। आई एम संगीता। आज के हमारे इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि बच्चों को मात्रा सिखाने से पहले किस तरह की प्रैक्टिस कराई जाती है और किस तरह की वर्कशीट दी जाती है, फिर उसके बाद बच्चे को मात्राएं सिखाई जाती है। सो फ्रेंड, फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि आप बच्चे को मात्रा सिखाने से पहले इस तरह की वर्कशीट की प्रैक्टिस कराइए, उसके बाद आप बच्चे को मात्रा सिखा सकते हैं। अगर आप बच्चे को इस तरह की वर्कशीट की प्रैक्टिस नहीं कराते हैं तो बच्चे को मात्रा का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है। वो अक्षरों का जोड़ अगर नहीं कर पाता है तो वो मात्राओं का ठीक से प्रयोग नहीं कर पाता है। तो देखते हैं कि हम बच्चे को कैसे करा सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन रखा है, यहाँ पे मैंने रखा ऐ से लेके आहा तक बच्चा लिखेगा, जैसे ए आ ई ई उ ऊ री ए आई ओ औ अं आहा, इस तरह से बच्चा स्वर लिखता है। स्वर लिखने के बाद बच्चा व्यंजन की तरफ पहुंचता है। जैसे यहाँ पे बच्चा लिखेगा क ख ग घ ण च छ ज झ इय ट ठ ड ढ ण त थ द ध न, ये बच्चे को। उसके बाद हम बच्चे को दो अक्षरों को जोड़ सिखाते हैं। जैसे यहाँ पे धन है, ये मैंने प्रैक्टिस के लिए अभी स्टार्टिंग में ही रख दिया। जैसे धन है यहाँ पे, तो बच्चे को ध ध्यान रहता है, धन ध ऐसे बनता है और न ऐसे बनता है, तो बच्चे यहाँ धन लिख पाएगा। नल के लिए बच्चे को साउंड आ रहा है कि न ल नल, बच्चा नल लिख पाएगा। छत, यहाँ पे छत दिखाई है तो छ छतरी ऐसे बनती है और त छत। नथ न थ नथ, ज ग जग, इस तरह से बच्चा इस तरह की वर्कशीट पे लिखता है। उसके बाद हम बच्चे को दो अक्षरों का जोड़ वर्कशीट इस तरह से भी देके देखेंगे। छ त छत, इसे छत बोलते हैं, यह खत होता है ख त खत। न ल नल, ट जमा ब टब, घ जमा र घर, ग जमा ज गज, गज हाथी, और दस द जमा स दस। इस तरह से बच्चों को दो अक्षर का जोड़ सिखाया जाता है। उसके बाद बच्चों को तीन अक्षर का जोड़ दिखाया जाता है। यहाँ पे मैंने पिक्चर्स भी ड्रॉ किए हैं, कुछ चित्र ड्रॉ किए हैं अक्षरों के साथ। जैसे ब त ख, बच्चा बतख को देखेगा एंड बतख को लिखने की कोशिश करेगा। ब त ख, म ट र, म ग र, र ब ड रबड़, स ड क सड़क, न म क नमक, च म क चमक, ह व न हवन, क म ल कमल। इस तरह से हम बच्चे को चार अक्षरों का जोड़ भी कराएंगे। तीन अक्षरों का जोड़ जब बच्चे का हो जाता है, हम बच्चे को चार अक्षरों का जोड़ सिखाते हैं। इसे ख ट म ल खटम, श र ब त शरबत, थ र म स थर्मस, ब र त न बर्तन, द ल द ल दलदल, क ट थ ल कटहल, ठ क ठ क ठक ठक। हम बच्चे को इस तरह से पिक्चर बना के, चित्र बना के देंगे। जैसे यहाँ पे चित्र मैंने बनाया हुआ खटमल का, शरबत का, थर्मस का, बर्तन का, दलदल का, कटहल का एंड ठक ठक का। इसके बाद हम बच्चे को इस तरह के क्वेश्चंस देते हैं, इस तरह के। जैसे यहाँ पे बच्चा नाम को पूरा करेगा, पहला अक्षर लिखेगा, ये क्या कर रही है लड़की, यहाँ पे चख रही है, क्या कर रही है, चख चख रही है आम को या फ्रूट्स को। यहाँ पे टब है, ये बच्चा टै लगाएगा, नमक लगाएगा, फण फण फे लगाएगा, बच्चा फण बन जाएगा। यहाँ पे धन लगाएगा, ध न धन, आठ आठ। इसी तरह से बच्चा उचित मिलान करेगा, इस तरह से बच्चा चित्र देखेगा और कुछ शब्द देखेगा और बच्चा उससे मिलान करेगा। जैसे एक ओठ, मटर,
ओस, ऊन, नब और आम। इस तरह से जब बच्चा मिलान करता है तो उसको क्या है ना, रीडिंग भी आ रही है, वो रीड कर रहा है साइड बाय साइड। और हमें यह भी पता चल रहा है कि बच्चा जब इसे खुद से देखता है, खुद से रीड करता है और मिलान करता है ना, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे बच्चे को ये वाला कंसेप्ट क्लियर है। वो एक दो अक्षरों का जोड़, तीन अक्षरों का जोड़, चार अक्षरों का जोड़ रीड कर पा रहा है और लिख पा रहा है। मैं आपसे एक पर्सनल, मेरा ओपिनियन है ये कि आप बच्चे को डिक्टेशन दे सकते हैं, इमला दे सकते हैं साइड बाय साइड। आप बच्चे को 10 अक्षर या 5 अक्षर इमला देंगे, जैसे यहाँ पे आप बच्चे को बोलेंगे मटर लिख के दिखाओ, मटर, मटर बच्चा लिखेगा। आप बच्चे को बोलेंगे कप लिखो तो बच्चा कप ऐसे लिख रहा है, या फिर आप बोलेंगे नभ लिखो तो बच्चा नभ ऐसे लिख रहा है। तो आप जैसे बच्चा दो दो अक्षरों को डिक्टेशन आपने बच्चे से लिया, और फिर बच्चे ने दो दो अक्षर का डिक्टेशन दे दिया, उसके बाद आप तीन अक्षर का डिक्टेशन ले सकते हैं, चार अक्षर का डिक्टेशन ले सकते हैं। उसके बाद ही आप बच्चे को मात्रा सिखाइए, जिससे कि बच्चा बहुत अच्छे से सीख पाता है। जब तक बच्चे का स्वर और व्यंजन का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो बच्चा मात्राओं को लेके भी कंफ्यूज रहता है। कि जैसे आपने बच्चे को बोल दिया किला लिखने के लिए, अब बच्चे को क ही नहीं पता तो ई कहाँ लगाएगा, कंफ्यूजन बच्चा रहेगा, बच्चे को कंफ्यूजन रहेगा और बच्चा नहीं कर पाएगा। सो ये वाला जो कंसेप्ट है स्वर और व्यंजन का, वो बहुत अच्छे से आप क्लियर कराइए। स्वर और व्यंजन जो है यह दोनों बच्चे को बहुत अच्छे से आने चाहिए, तो बच्चा ये सीख जाता है। सो फ्रेंड, आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वन मोर थिंग, आप इस जो वर्कशीट का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से ये वर्कशीट ले सकते हैं। आप अपने बच्चे को घर पे प्रैक्टिस करा सकते हैं इन वर्कशीट के ज़रिए। सो फ्रेंड, आप वहाँ से ले लीजिएगा। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।